आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी टीईटी 2021 के नतीजे घोषित हो गए। लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया था, पर मात्र 6,60,592 अभ्यर्थी परीक्षा पास कर पाए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी टीईटी 2021 अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। यूपी टीईटी का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इसकी जानकारी दी। प्राथमिक स्तर की टीईटी में प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों स्तरों पर कुल 6,60,592 अभ्यर्थी पास हुए हैं। प्राइमरी लेवल पर 38% और अपर प्राइमरी में 28% अभ्यर्थी पास हुए हैं। प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा के लिए 12,91,628 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, पर परीक्षा में कुल 11,47,090 अभ्यर्थी पेपर देने पहुंचे थे। इनमें से 4,43,598 यानी 38% अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें उच्च प्राथमिक स्तर परीक्षा की, तो उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा के लिए 8,73,553 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, पर मात्र 7,65,921 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे और इनमें से 2,16,994 लगभग 28% अभ्यर्थी सफल हो पाए हैं। दरअसल यूपी टीईटी 2021 की प्रोविजनल आंसर की 27 जनवरी 2022 को जारी कर दी गई थी। अभ्यर्थियों को 1 फरवरी तक आंसर की पर आपत्ति जताने का मौका दिया गया था। वहीं दर्ज आपत्तियों के बाद विचार करने के बाद फाइनल आंसर की को तैयार किया गया, जिसके बाद रिजल्ट फाइनल आंसर की के आधार पर जारी किया गया है। माना जा रहा था कि रिजल्ट फरवरी में जारी किया जाएगा, लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव के कारण रिजल्ट की डेट जारी नहीं की गई, जिसके बाद 7 अप्रैल को फाइनल आंसर की जारी करते हुए यह ऐलान किया गया कि 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बता दें कि एनसीटीई के निर्देश पर टीईटी की शुरुआत 2011 में हुई थी, पर 2012 में इसका पेपर नहीं हो सका। इसके बाद साल 2020 में कोरोना के चलते ये परीक्षा नहीं हो पाई थी। इसके बाद इस बार की परीक्षा के बाद भी रिजल्ट आने में देरी हुई थी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।